हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कंसिडरिंग कि मैंने पहले भी इस चैनल पे 3 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, बट एनीवेज दिस इज गोना बी माय फर्स्ट व्लॉग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज इट इज वेरी स्पेशल। सो व्हाट आई वुड बी डूइंग, सो आई वुड बी ऑनबोर्डिंग माय हॉस्टल दैट इज उदयगिरी हाउस एट IIT दिल्ली। एंड आफ्टर सो मच ऑफ वेट बिकॉज एक साल से कोरोना की वजह से हॉस्टल नहीं जा पाया हूँ मैं। सो लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड फर्स्ट कि मतलब क्यों ऑन बोर्ड कर रहा हूँ, कब ऑन बोर्ड कर रहा हूँ और हमारे अगले सेमेस्टर्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। सो ऑल दो आर नेक्स्ट सेमेस्टर्स वुड बी ऑनलाइन, मैं एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, अगला सेमेस्टर ऑनलाइन ही होगा, बट IIT दिल्ली हैज गिवन एन ऑप्शन टू द स्टूडेंट्स कि वो हॉस्टल ऑन बोर्ड कर जाएं। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्म निकाला था इन विच यू हैड टू एनलिस्ट ऑल द रीजंस दैट यू फाइंड सूटेबल कि आप क्यों जाना चाहते हो हॉस्टल एंड यू हैव टू गिव योर डिटेल्स एड्रेस वगैरह। सो फिर वो फॉर्म मैंने ही भरा था एंड माई फॉर्म गॉट अप्रूव। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल और मैं जा रहा हूँ कल, तो कल सुबह मेरी ट्रेन है कालका शताब्दी एट 6:53 AM और मैं दिल्ली पहुँचूँगा अराउंड 10:30 और फिर हॉस्टल में हमारे हॉस्टल के जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होंगी, हॉस्टल की मेस फी पेमेंट भी करनी है, वो सब मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, अपनी पूरी जर्नी दिखाऊंगा, हॉस्टल ऑनबोर्डिंग दिखाऊंगा और हॉस्टल रूम एंड IIT दिल्ली का भी एज मच एज पॉसिबल टूर देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, थैंक यू। सो हाय गाइस, आई वाज एक्चुअली अबाउट टू विश यू गाइस गुड मॉर्निंग बट देन आई रियलाइज कि ऑल ऑफ यू वोंट बी वॉचिंग दिस इन द मॉर्निंग ऑफ कोर्स। सो राइट नाउ इट इज 6 AM एंड I have booked the cab and we are heading towards the Chandigarh railway station. So let's meet you guys there. So we have reached the railway station and we'll have to wait for like half an hour before the train arrives. So yeah, fir I'm up to it. So we finally settled down on our seats. So actually हुआ क्या ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। Instead of the C5 हम C6 में चढ़ गए एंड काफ़ी लोगों से ये गलती हो गई क्योंकि वहाँ पे जो रेलवे में बोर्ड्स लगे होते हैं रेलवे स्टेशन पे, उस पर C5 लिखा हुआ था, वहाँ पे C6 कोच आई और कोच के बाहर नंबर नहीं लिखा हुआ था कोच नंबर, तो काफ़ी उनसे गलती हो गई। तो आइल में पूरा रश हो गया, फिर सारे इधर से उधर कर रहे थे, तो फिर होगा लॉट ऑफ टाइम टू मूव फ्रॉम C6 टू C5, बट फाइनली सब सेटल हो चुके हैं, सामान दिया एंड बस अभी बाहर का व्यू देख रहा हूँ। हेडिंग टूवर्ड्स द कैंपस एंड कैब ले ली हमने बिकॉज हमने सोचा कि सामान ज़्यादा था तो मेट्रो में थोड़ी दिक्कत होती एंड आई थिंक वी हैड टू स्विच मेट्रो इन बिटवीन द रूट, सो इसलिए कैब ले ली हमने और अभी जा रहे हैं कैंपस की तरफ। ये देखते हैं, अभी टाइम शायद लगेगा 30 से 40 मिनट लगेंगे कैंपस में हॉस्टल तक के जाने में। Finally, I reached my campus and my hostel. This is my hostel.
गिरनार हॉस्टल में घूम रहे हैं, देखते हैं गिरनार हॉस्टल। अरे भाई, अरे देव देव भाई, देव भाई हमारे साथ। और भाई देव, तो अभी हम चलते हैं भाई के रूम में, भाई का रूम टूर। ठीक, मैं अपना रूम टूर भी अपलोड करूंगा। लड़की ऐसा लग रहा है सजा हुआ भाई, पूरा सजा हुआ इसका भाई का रूम। अब देखते हैं भाई के रूम पे शिफ्ट। देव गिरनार में रहता है, तो अभी बच्चे कम हैं काफ़ी, तो फिर शायद इसी वजह से उदय का मैस अभी खुला नहीं है, डाइनिंग हॉल खुला नहीं है। सो वी हैड आर लंच इन गिरनार हॉस्टल, आर पेरेंट्स ऑल्सो हैड लंच देयर, एंड नाउ आई एम इन देव्स रूम। और अभी उसका खाना दिखा देते हैं आपको। ये मेरा खाना है, ये देव का खाना है, ये कुछ ये हैं जो तेल में डूबे हुए मिले मुझे, सब्जी का तेल इसमें चला गया था। पनीर की सब्जी है, पनीर की सब्जी है गाइस। और ये रायता पनीर है, देख लो। हाँ, पनीर है। हाय गाइस, अभी हम आ गए हैं अपने हॉस्टल के 8th फ्लोर पे। तो ये मेरे साथ मेरा दोस्त ज्ञानेंद्र है, और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, मैंने सुना है कि यहाँ से कुतुब मीनार भी दिखता है, तो सर लेट्स चेक इट आउट। ओके लेट्स गो भाई, व्यू तो अच्छा है यार। वो मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग एससी, देख ये मेन बिल्डिंग है, एलएचसी का है। हाँ, और वो एलएचसी है, ये एलएचसी, एलएचसी मतलब लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, मतलब यहीं पे सारे लेक्चर्स वगैरह लगते हैं। अब वो देखो, तुम्हें कुतुब मीनार दिख रहा होगा वहाँ पे, और उसके बगल में रिसर्च पार्क है। ये देखो कुतुब मीनार, वाइट बिल्डिंग है, वाइट क्लास वन बिल्डिंग है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ वो देखो, वो देखो वो देखो। हाँ, और अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक अच्छी चीज, चलो उस तरह। देख के लग नहीं रहा है भाई कि दिल्ली का सीन है ये। तो यहाँ के क्या डियर होते हैं यहाँ पे, मतलब जा सकते हैं, जा सकते हैं, डियर पार्क अगर जाते हैं अंदर, यहाँ भी महल बने हैं, क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट थोड़े बने हैं। हाँ, है हमारा हॉस्टल, मतलब यहाँ पे हमारा हॉस्टल है, ऐसा है काफ़ी बड़ा है, तो 8 फ्लोर्स तो हैं ही, और सारे मैं क्या बोलूँ, बहुत बड़ा हॉस्टल है। ये देखो तुम, ये देखो, अभी मैं तुम्हें बैक कैमरा से भी दिखाऊंगा। Thank you.
मैं पानी तेरा मेरा तू किनारा, फूल बन जा।